कहते हैं कि हम खुदावर का कलाम उसके बंदा पास राइट के लिए वसीला से सुन। Evening church, मेरा नाम माइकल गिल है और मेरा ताल्लुक विक्ट्री फैमिली चर्च से है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे लिए आज की बात है कि मैं आज यहाँ पर हूँ फॉर द यूथ और पास्टर साहब वाला ये मौका दिया। मेरे लिए एजाज की बात है क्योंकि मैं इसी चर्च में पला बढ़ा हूँ और सही का बहुत बड़ा हिस्सा इस चर्च में जो है वो बिताया है और मेरे पेरेंट्स भी चर्च के मेम्बर रहे हैं अभी तक है कि और मेरे नाना नानी की इस चर्च में उन्होंने अपने ज़माने में काफ़ी खिदमत की है। मेरे नाना है कि उनकी इतिहास सजा इतने के पुराने चर्च के मेम्बर हैं तो उनको जानते होंगे उनकी वाइफ मरियम इतिहास और मेरे पेरेंट्स असर गेल और मेम्बर गेल रवायता के बहुत अच्छे हिस्सा रहे हैं। मेरा छोटा भाई अभी तक इस चर्च का मेम्बर है यहाँ पर आता है ख्वाहिश करता है। तो हम सब वाले जो मसीह के नाम से कहे जाते हैं उसके खून खरीदे हैं, हमेशा की जिंदगी का वादा हमसे किया गया है, हमारे पास निजात है, तो हम भी अगर वही सब काम करते हैं तो आई डोंट थिंक उसमें हमारा कोई कमाल है या हमने कोई खास काम किया है, क्योंकि सारी दुनिया जो मसीह के नाम से नहीं भी गिराती वो भी यही काम करती है। समाना ऐसा हो गया है, खराबी बुराई इतने रूज भी आती है, गुनाह का रसाई बहुत आसान हो गई है, एक्सेस टू ईवल बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, तब तो वो वक्त आ गया है कि गुनाह जो है वो हमारी फिंगरटिप्स पे आ गया है। हमारे सीनियर पास्टर हैं वो कहते थे कि ज़माना था कि कलीसिया कलाम यीशु मसीह का चर्च पढ़ता जाता था, बुराई साथ साथ क्यों पढ़ती जाती थी, लेकिन अब वो ज़माना आने के कलीसिया कदम बढ़ाती है तो बुराई या तारीखी की जो फौजें हैं वो एक या डेढ़ कदम बढ़ा के आगे तैयार रहती हैं, चर्च के सख्ती से मुकाबला कर रहे हैं। और इसमें कोई दहीश की बात नहीं है, दुनिया के जो न्यूज़ है, दुनिया के जो हालात है वो आपके सामने हैं और पाकिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है और कलाम ने सिखाते हैं कि चीज़ें कम नहीं होगी बल्कि चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें, वालदैन जो है वो अभी से अपने यूथ का ख्याल रखें और यूथ जो है वो अभी भी फैसला कर सकती है। तो वक्त आ गया है कि हमारी जो फादर्स और मदर्स डे की डेफिनेशन ये तब्दील हो। बच्चे ये ना बोले कि मेरे बाप ने मुझे आईफोन दिला दिया, अच्छे कपड़े दिला दिए, अच्छी जगह पर पढ़ा दिया तो फिर आए दिला दिए, इस वजह से मेरा बाप मेरी माँ देखती है, बल्कि वो इस वजह से अपने माँ बाप को देखती है कि उन्होंने मुझे मसीह के यहाँ पर चलना सिखाया है, उन्होंने मुझे खुदा यीशु मसीह के अहकाम कलाम उसकी जो शरीयत है उस पर चलना सिखाया है, कलाम सिखाया है, दुआ करना सिखाया है, जब दुनिया एक निशाने पर जानी होती है उसको मुझे दूसरी सिंह पर चलना सिखाया है, जब लड़ाई बनना सिखाया है, उसे माफी देना सिखाया है, उसे माफी मांगना सिखाया है, उसने मुझे दुनिया का नमक और नूर बनना सिखाया है जो खुदा यीशु
किसी ने हमें बनने के लिए छोड़ा था। और इसी से रिलेटेड हम यही कहें कि जिंदगी में से सीखेंगे, यही हम सैम्यूल करें कि, और मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ पहला सैम्यूल निकालें, उसके दूसरे तीसरे और चौथे चैप्टर में से हम कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और इसे हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। तो हम पहले सैम्यूल खोलते हैं, इससे पहले बाप हमें पता रहता है कि यही कहें जो था उसके बेटे थे वो भी काहिन थे, वो भी प्रीस्ट थे। और हो सकता है कि बाजूबाजूस्ट कहा कि हर बाप जो अपने बच्चों को अच्छी तरह देखना जानता है, शायद उसे भी कहा होगा कि अपने बच्चों को अपने नौकरी पर लगा दे तो टीचर बन जाएगा। लेकिन जब हम पहला सैम्यूल दूसरा बाप उसकी बारियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये बताता है, ये यकीन करता है कि एली के दोनों बेटे हफनी और फिनहास जो खुदा के काहिन थे, बारियाँ लिखा है दूसरे चैप्टर की, कि एली के बेटे बहुत शरीर थे और उन्होंने खुदा को ना पहचाना। वो शरीर भी थे, खुदावंद को जानते भी नहीं थे, इसके बावजूद वो क्या थे, काहिन थे। आयरन को वहाँ पर जबरदस्त उनको रखा है जो भी था। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि एक एक काहिन होते हुए चीफ प्रीस्ट होते हुए शायद हम लोग अपने बच्चों की इस तरीके से परवरिश या ट्रेनिंग नहीं कर सका जिस तरीके से उसको करनी चाहिए थी। और उसके बेटे जो है वो शरीर थे और खुदावंद को पहचानते ना थे। और आगे हम सोलहवीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें कुर्बानी का जिक्र मिलता है कि जब कुर्बानी बन रही होती थी या बन रही होती थी तो उसके बेटे जो अपने लोगों को भेजा करते थे और बड़ा बड़ा करते थे कि हमें एक अच्छी सी कुर्बानी का गोश्त एक अच्छा दे दें, हम कबाब बनाएंगे। अगर वो बोलते थे कुर्बानी पकने दे उसको जितना दे चाहे ले लेना, तो कहते थे दे दो तो इनको छीन कर ले जाएंगे। ऐसे भी काम लोग किया करते थे, ज़बरदस्ती किया करते थे। और जब हम दूसरी बात की 22वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक बहुत ज़बरदस्त बात देखने को मिलती है, एक शॉकिंग बात मिलती है। 22वीं आयत में लिखा है कि एली बहुत बूढ़ा हो गया था और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इसराइल में क्या क्या करते हैं और उन औरतों से जो फैमिली वहाँ के दरवाजे पर खिदमत करती थी हम आभूषी किया करते थे। चीफ प्रीस्ट एली काहिन के बेटे हैं जो खुद काहिन है, लोगों से चंदे में और कुर्बानी में हिला देने किया करते थे, ज़बरदस्ती अपना हिस्सा शर्त से ज़्यादा छीन लिया करते थे। और इंडिया में ये भी पता लग रहा है कि वो औरतों के साथ बुरा सलूक किया करते थे, वो स्टिल अजीब पीस से वो बेटे थे और अपनी कहावत का काम जो है वो वहाँ पर किया करते थे। वैसे है कि एली काफ़ी बुजुर्ग हो चुका है, दैट मीन्स उसके बच्चे जो है काफ़ी एज के हो गए मेच्योर हो गए होंगे और उनकी जिंदगी की बचपन और जवानी और यूथ जो है वो गुजर चुका है। और तब तक हमें इस पूरे चैप्टर में इस पूरे किताब को जब हम पढ़ते हैं हमें कुछ कमी नहीं मिलती, कुछ लेसन नहीं मिलता, कुछ शेयर नहीं मिलती। सिर्फ 23, 24 और 25 आयत जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको एक छोटी सी वर्बल इंस्ट्रक्शन मिलती है जो एली अपने बेटे को कह रहा है, बल्कि शायद रिक्वेस्ट कर रहा है। एली हमें कहता है 23वीं आयत से, और उसने उसे कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बदलाफियाँ तमाम पाँव से सुनता हूँ, नहीं ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ। तुम खुदावंद के लोगों से नाफरमानी करते हो, अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावंद का गुनाह करे तो उसकी शिकायत कौन करेगा, बावजूद उसके और उन्हें अपने बाप का कहना ना माना। और आगे लिखा है कि खुदावंद को मार डालना चाहता है। जब मैं यह पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे दिल में सवाल आता है कि मैंने उसकी कनेक्शन रिव्यू कहाँ था, तंबी कहाँ थी, तरबियत कहाँ थी। और इस स्टोरी को हम अपनी जिंदगी से भी अपने खानदानों में, अपने रिश्तेदारों में, सोसाइटी में रिलेट कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम सिखाता है कि जो अपने बेटे से नफरत करता है, उसे घृणा करता है, वो छड़ी को बाज रखता है, वो करेक्शन नहीं करता। बाज बाज छड़ी का मतलब ये है कि किसी सदी में आ गए कैसे बच्चों को मारे। छड़ी की जब आप इस डेफिनेशन में समझने वर्ड में जाते हैं तो छड़ी का मतलब नेसेसरली मारना नहीं है। उस जमाने में जो शेपर्ड्स रॉड होती थी उसके आगे हुक लगा होता था कि अगर कोई भेड़ भिड़क जाए तो शेपर्ड जो है जो चरवाहा है उसको उससे उसकी गर्दन में डाल के वापस खींच लिया जाए। तो छड़ी को इस्तेमाल करने का मतलब ये भी है कि अपने बच्चों की जो है हम करेक्शन करें, उनकी तंबीह करें, उनको सही राह पर ले जाएं। क्योंकि एली काहिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप कह सकते हैं नहीं, हो सकता है बचपन में उसकी तरबियत की हो, कोशिश की हो, बच्चे की उसकी बात ना सुनते हो। तो तीसरे बात की तेरी है कि खुदा हमको सैमुएल से बात करता दिखाई देता है और खुदा सैमुएल को ये बताता है कि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई।
और उसने उनको ना रोका, यानी कि देवी माई को उनको ना रोका। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम बुरा हो गया और उसके बेटों की जो हरकत थी उसको सरप्राइजिंगली एक दिन पता लगी है, उसको पता लग गया है कि न्यू जवानी से वो काम कर रहे थे और एज में ऐसी एज में आ गए थे जहाँ पर उन्होंने इस काम को कंटिन्यू रखा था, लेकिन एक ही उसको एक वर्बल इंस्ट्रक्शन देता है और बोलता है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करो। अगर छोटा छोटी बात या छोटी कोताही नहीं की होगी तो चलने में से कोताही चीज़ों में से जो है वो चुलाया करते थे, उसे ज़बरदस्ती किया करते थे और औरतों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया करते थे। आजकल हम और हमारे पेरेंट्स हम सोसाइटी में देखें तो हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं, हम अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, उनको तंगी देने की कोशिश नहीं करते, सही राह पर ले जाने की कोशिश नहीं करते। और वक्त हुआ तालियां हैं कि लोग कहते हैं नहीं मेरा बेटा तो सबसे ज़बरदस्त है, इससे शरीफ तो कोई हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने ऐसा काम किया हो। और ये चीज़ जब मल्टीप्लाई होती रहती है तो बच्चे लड़कपन से बचपन से जवानी में टीनेज में आते हैं, यूथ आते हैं और जब उससे बड़े होते हैं तो ऐसा टाइम आता है कि वो इम्यून हो जाते हैं। देख लीजिए बेटों की तरह कि कोई भी कनेक्शन या कोई भी नसीहत उनको की जाए तो वो उसको अनसुना कर देते हैं, उसका लिखा है कि लीजिए बेटों को उसकी बात ना सुने। और आज जैसा मैंने बताया कि जमाना इतना खतरनाक और इतना टेंस होता जा रहा है कि अभी भी अगर हम डिसाइड ना करें पेरेंट्स होते हुए या यूथ होते हुए या टीनेजर्स होते हुए कि डोंट टेक अ डिसीजन, हमारे लिए बहुत सारे मसले होते नजर आएंगे। आप लोग मुबाली के चाहे वहाँ इस तरह के कैथीड्रल्स हों या पुराने चर्चेस को देखें तो वो खाली होते जा रहे हैं। और उसकी वजह ये है, रिसर्च बताती है, लोगों ने चांस की बात की छोटी, रिसर्च बताती है कि चर्चेस ने अपने बच्चों और अपने जवानों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। और जो लोग थे जब बुजुर्ग हुए तो उनके बच्चे उनके जवान नौजवान सब इधर उधर हो गए, उनको कभी कहीं से हमें रोका नहीं, बहुत सारे जो है मसीह से फिर गए, इधर उधर चले गए, गलत कामों में लग गए और वही कहीं से उनकी वो बुजुर्ग होते गए, लोग जो है वो ख़त्म होते गए। इस तरीके से कलीसियाँ की जो सीट्स खाली होती थी उनको भरने वाला कोई नहीं बचा। आज आपके चर्चेस जो है उनको क्लास में तब्दील किया जा रहा है, डांस क्लास में तब्दील किया जा रहा है, प्रॉपर्टी सेवा की जा रही है, बाजू का इन्हीं चर्चेस की बिल्डिंग को दूसरे मसाले भी लेकर अपनी बाजार बना लिया। सो इट्स हाई टाइम वी एज पेरेंट्स नीड टू मेक अ डिसीजन कि हमने अपने बच्चों की किस तरीके से परवरिश करनी है। मती सात बात याद रखें कि हम जो कर रहे हैं मैं इस तरह से छोटे अगर हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनकी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, हम कोई कमाल नहीं कर रहे हैं, हम कोई तीर नहीं मार रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ नहीं कर रहे हैं, जो मसीह के नाम से नहीं कहलाया जा रहा वो भी यही काम के बेटों ने उसकी बात ना मानी और उससे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस होते हैं। दूसरी बात 27 में आपको लिखा है उससे चंद आए पहले ही खुदा का बंदा आता है जो यही से बात करता है और बहुत सारी चीज़ें उसको बताता है कि खुदा ने तेरे लिए पहला भेजा है, मैंने तेरे लिए ये किया ये किया ये किया। और 27 में आए कहता है बस तुम क्यों मेरे जकीय और हकीय को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो, और क्यों तुम अपने बेटों को मुझसे ज्यादा इज्जत करता है ताकि तुम मेरी कौम इसराइल के अच्छे से अच्छे हड्डियों को खाकर मोटे बनो। खुदा उससे शिकायत कर रहा है, उससे गिरा कर रहा है कि तुमने अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत की है, तुमने उनकी कमी नहीं की, तुमने उनकी तरबियत नहीं की। और बाद में जैसे है तो खुदा उसको ये भी बताता है, ये भी बताता है कि तेरे बेटे मर जाएंगे, तुम भी मर जाएंगे, तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। उसको ये भी बोलता है कि तेरे खानदान में जब भी ये उम्र पैदा होगा वो जवानी से पहले ही मर जाएगा। इतनी सारा सदा जनरेशन को सदा जा रहा है। आपके एक्शन और आपके डिसीजन जो भी आप अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं दे हैव कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत गहरे नतज होते हैं। यहाँ पर मैं एली एली के बेटे और उनकी आने वाली नस्लों के लिए पैगाम कर रहा है। और आज जो मैं आपसे मैसेज बयान कर रहा हूँ उसके लिए बयान कर रहा है कि इससे ही अदर मैसेज, मैं इस मैसेज से आपको उभारना चाहता हूँ कि आप सब अपने कल के बारे में ना सोचें बल्कि आने वाले कल के बारे में, उससे आने वाले दिनों के दिनों के बारे में ही सोचें, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ना सोचें, उनके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चों के बारे में सोचें। यूथ सेंटर में भी शादी हुई होगी, अपने उस टाइम के बारे में सोचें, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे
पे स्ट्रेटेजिक व्यू और जनरेशनली सोचता है कि आने वाली नस्ल क्या वो दुनिया की हम शक्ल बनेगी या सलाम की पैरवी करने वाली बनेगी, क्या हम भी एक यूरोप की डेट पुलिस बनते जाएंगे जहाँ से जवान गायब होते रहेंगे और हम नाबी मसीह के लाते रहेंगे और दुनिया में अपने मुल्क में अपने शहर में खुदा यीशु के नाम से कहलाए जाने के बावजूद कोई अंगों का काम नहीं करेंगे। खुदा ने आपके शहर में से रखा है कि आप अपने मोहल्ले वालों के लिए एक रीजन बने पैसे का, आप अपने लोग अपने इंस्टीट्यूशन में ब्लेसिंग की सोर्स बने, आप वहाँ पर पीस लेकर बने और आपका किरदार आपके दूसरे के खराब निकलता है वो खुदा यीशु की बादशाह के लिए बीज बोने वाला हो। लेकिन अगर हम यही समझते रहे कि तो पास्टर का काम है तो ये बड़ी अलग बात है। खुदा ने आप सबके लिए बाजवान हो, यूथ हो, टीनएजर्स हो, बुजुर्ग हो, सभी लिए खुदा ने कुछ ना कुछ टैग बनाया हुआ है। आपकी लिमिटेड कैपेसिटी में वो आप सबके लिए काम करा सकता है। वेरेवर यू आर व्हाटएवर यू डू खुदा आपको इस्तेमाल कर सकता है और आपकी मदद कर सकता है और आपके वसीले से अपना जलाल जाहिर कर सकता है। आपके डिसीजन जो आप आज लेंगे या लेते हैं उनके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब मैं चंद कॉन्सिक्वेंसेस की लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एडी की इस परवरिश का जो डिसीजन था उससे क्या क्या हुआ। जब हम दूसरे ही चैप्टर में 34 शायद पढ़ते हैं तो उसको लोग पढ़ते हैं फिर 30 का लोग पढ़ते हैं और आगे जब आप चैप्टर 4 को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि शहर का संदूक ही इसराइल के पास से चला जाता है। ना तो गैर पाप वाले जो है जो खुदा दूसरा कोई मान नहीं करते उसको नहीं मानते वो रह कर संदूक अपने साथ ले जाते हैं और ये दोनों बेटे ही मर जाते हैं। एक और कॉन्सिक्वेंस अगर हम चौथी बात की 18 आयत पढ़े उसमें ये लिखा है कि जब एली को पता लगता है कि क्या होता है उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी से पिछाड़ खाकर पाठक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया क्योंकि वो बूढ़ा और भारी आदमी था। 40 बरस बनी इसराइल का गाजी रहा, 4,000 लोग, 30,000 लोग कहते संदूक आए उसके बेटे पर गए और एली का ही मर जाता है। This is just to give us a lesson कि हमारे decisions के consequences क्या होते हैं। हम जब दुनिया के ऑप्शन पर करते हैं बच्चों को कहते हैं ठीक है यार सारी दुनिया कर रही है तू भी कर रहे ऐसी कोई मसले की बात नहीं है, या हमारे बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो बोलते हैं कोई नहीं I'm here to protect you, तू जा मैं देखता हूँ तुझे क्या कह सकता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखाता, हमें ये तरबियत नहीं देता। And if we don't thought of this before, now is the time we can take a decision today. पेरेंट्स होते हुए यूथ होते हुए टीनेजर्स होते हुए कल सबने सबकी शादियाँ होनी है, सबने तैयारी करनी है, सबके बच्चे होंगे। हमें सिर्फ ये तरबियत नहीं करनी है जी हमने पढ़ाई क्या करनी है, हमने नौकरी क्या करनी है, हमें लोगों की कलाम के मुताबिक ये भी ट्रेनिंग करनी है कि इसको चर्च में अच्छा मसीही एक अच्छा ईमानदार कैसे बनाना है। पेरेंट्स को ये भी सोचना है कि पहले अपने बेटे को कैसे तरबियत करनी है कि टर्न्स आउट टू बी अ गुड गॉडली गॉड फियरिंग हस्बैंड। सेम गोज़ फॉर डॉटर्स। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बच्चों की अपने बेटे बेटी की शादी करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। तरबियत तो अलग की बात, दुनिया में जाके अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, बोलते हैं झूठ बोल के शादी करा दो जो होगा देखा जाएगा। और आज अगर आप स्टडी नहीं की, रिसर्च नहीं की या टैक्स से बातें नहीं है तो क्रिश्चियनिटी में जो हमको डाइवोर्स सुधार के आगे बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, डाइवोर्स की रेट बढ़ते जा रही है क्रिश्चियनिटी और पाकिस्तान में ईस्टर्न सिविलाइजेशन में सेपरेशंस बढ़ती जा रही है, खानदानों में विघत जुदानियाँ झगड़े फसाद बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए अंदाजा नहीं होगा कि खुदा की नज़र में मैं उन्हें बात हूँ खुदा ने का फैसला करना है और कलाम के मुताबिक शुड आई बी हैप्पी, शुड आई बी फाइटिंग, क्या मुझे बदला लेना है या नहीं लेना, क्या करना है, दुनिया के आगे में क्या करूँगा, दिखा रहा हूँ दिखा रही हूँ। और लोग अभी अभी भी पाकिस्तान में कराची में रहते हुए लोगों को ना आपके बारे में पता है ना आपके मसीह के बारे में पता है। There's a huge population जिनको नहीं पता मसीह क्या होते हैं और क्या नहीं होते। Anyways, एडी भी मर जाता है। और एक और कॉन्सिक्वेंस में बताऊँ कि बाजुदा आशय फिजिकल जिस्मानी तौर पर किसी के पेरेंट्स ना हो, किसी के मामा ना हो, लेकिन आप खानदान में ऐसे मुद्दे पर होंगे कि खानदान के बच्चे रिश्तेदार आपको निर्भर करते हैं। कहते हुए माया कि मेरा चाचा बड़ा ज़बरदस्त है, बाबू बड़ा ज़बरदस्त है, खाला भी ये बड़े ज़बरदस्त है, मैं जैसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पीपल लुक अप टू यू। बल्कि मेरा तो ये मानना है कोई शख्स कैसा भी हो उसके चर्च
से एली सैमुएल नबी का स्पिरिचुअल फादर था या डॉटर था। सैमुएल एक अच्छा नबी था, उसने घर के बहुत काम किए, घर की आवाज़ सुनता था, खुदा से डायरेक्ट बात करता था, उसने बहुत काम किए। लेकिन जब आप आठवें चैप्टर में जाते हैं, पहला सैमुएल उसके आठवें चैप्टर में, तो पहले ही वर्ड से हमें और कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देते हैं। पहली दूसरे तीसरे ऐसा यूँ लिखा है, जब सैमुएल बूढ़ा हो गया, जिसका सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये बूढ़ा हो गया था, तो उसने अपने बेटों को इसराइलियों के काजी ठहराया। उसने भी एक ही तरह अपने बेटों को लगा दिया, चलो पैसा कमाओ नौकरी में लगो, तुम्हारा फ्यूचर है वो फिक्स है। उसके लौटे का नाम यूएल और उसके दूसरे बेटे का नाम किया था, वो दोनों मेरे सभा में काजी थे। पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, जिसका एली के बेटे उसकी राह पर ना चले, खुदा को नहीं पहचानते थे, खुदा की नज़र में शरीफ थे। सैमुएल के बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफा की दालत से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून किया करते। सिमिलर ट्रेस हमें मिलती है। सैमुएल एक बेहतरीन नबी होने के बावजूद ही फेल्ड एज अ फादर, वो अपने बच्चों की तरह परवरिश नहीं कर सका, क्योंकि उसका जो स्पिरिचुअल फादर था उसने भी उसके सामने अपने बेटों की परवरिश इस तरीके से की। तो जरूरी नहीं है किसी के फादर को आप किसी के अंकल आंटी कजन किसी के बड़े भाई भी हो सकते हैं। और ये कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हमने चार जनरेशन देखी, एली एली के बेटे, सैमुएल सैमुएल के बेटे, फोर जनरेशन रूइंड। उसके बाद और तेज जनरेशन का जिक्र आ रहा है आगे जाकर। सैमुएल के बेटों की वजह से इजरायली कौम जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है, और वो चौथी आय में सैमुएल से शिकायत करती है, उससे कहती है, तब सब इसराइली जो जमा होकर रामा में सैमुएल के पास आए, तो उससे कहने लगे, देख तू सही है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, और तू किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। इसराइल कौम का जो बादशाह था वो खुदावंद खुद था, बजाते खुद था, लेकिन इसराइली कौम एली के बेटों की वजह से और सैमुएल की बेटों की वजह से बादशाह तो आनंद से इतने चढ़ जाते हैं, बोलते हैं हमें बादशाह नहीं, जिस तरह गैर कौमों के बादशाह हैं। हम भी आजकल गैर कौमों की सखावत और उनके कल्चर में इतना घुल मिल जाते हैं, वी फॉरगेट कि हमारा कला हमें क्या सिखाता है। हम उनकी इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनके कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं, अपनी शादियों को अपने त्योहारों को मिक्स करके मजबूत करके उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, बट वी फॉरगेट कि कला हमें क्या सिखाता है। यहाँ पर लोग मुकाबला करते हैं, जिस तरह गैर कौमों के बादशाह हैं हमें भी बात पढ़ेंगे तो आपको चर्चे बाद भी आप पढ़ सकते हैं। खुदा को और कॉन्सिक्वेंसेस की लिस्ट बताता है, खुदा बोलता है ठीक है बादशाह को मुझे दे दूंगा, तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन उसका ये नतीजा होगा तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियाँ जो बस बादशाह के लौटे लौटियाँ बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे, जो तुम्हारी पैदावार से ज़्यादा हिस्सा लेगा, तुम्हारे जो माल मवेशी हैं उनको अपने पास रखेगा, ज़बरदस्ती हर बच्चे की नज़र उसका बाप ये होता है, चाहे वो जैसा भी हो, उसका बाप कुछ भी करता बोलेगा सबसे अक्रमत आदमी मेरा बाप है। एक शख्स बेटे और बेटी अपने बाप को अपना आइडियल समझते हैं, बोलते हैं मेरा सुपर हीरो है, इससे अक्रमत कोई नहीं, इससे ताकतवर कोई नहीं, इससे स्मार्ट कोई नहीं है, इसका मेहनती कोई नहीं है, और बहुत सारी चीज बच्चों का जो फादर है वो उनका सुपर हीरो होता है। जिस तरह हमने मतलब पाँचवें बाप से सीखा था कि बेटा मुझसे कुछ नहीं करता, वही जो बाप को करके देखता है वो करता है। और जब हम बतौर मसीह मसीह के नाम से रिहाए जाने वाले और पूर्ण शरीर जब हम बाप बनते हैं और हम बच्चों के सामने जब उनकी सीधी हरकतें करते हैं, तो देयर इज अ बिग चांस कि मुड़ भी वही काम करे। जब एक फादर एक क्रिश्चियन फादर अपनी बीवी को मारता है बच्चों के सामने, सिर्फ कराम के मुताबिक नहीं, साइकोलॉजिकली भी उसका बच्चा जब कल को शादी करेगा 90% चांस है वो यही काम करेगा। अगर वो घर में लड़ाइयाँ करता है तो बेटा भी यही करेगा, अगर वो शराबें पीता है तो बेटा यही करेगा, अगर वो
शॉर्टकट्स लेता है तो उसके बच्चे भी यही करेंगे। साइकोलॉजी की भी ये बात प्रूविन है। और मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल मैरिज काउंसलिंग, जहां पर मैरिज काउंसलिंग के दौरान पता लग जाता है कि एक लड़का या लड़की का कैटेगरी नहीं है शादी से पहले, तो फिर भी वो अपना भी आपका हवस भी आपके अपनी पर्सनल जो लाइकिंग होती है उस पर बोलते कि नहीं हम तो करें इसको क्या होगा। और बाद में हमने वो शादियाँ और रिश्ते टूटते हुए भी देखे, क्योंकि हम फैलाव के मुताबिक अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करना चाहते और दो साल या तीन साल से आगे सोचना ही नहीं चाहते। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज आपको सिर्फ आने वाले चंद सालों के बारे में नहीं, अपनी औलाद की औलाद और उनकी औलाद के बारे में सोचना है। क्या आप सलामती के फर्जंदों की फौज को जन्म दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्या आप एक गॉड फियरिंग बाइबल बिलीविंग जनरेशन की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बच्चों को एजुकेशन दें और ये सारी चीज़ें करें, दुनिया के लिए करते सब कॉन्शियस ही आप ही करेंगे, सब नहीं करना है आपका काम नहीं है। लेकिन उससे बढ़कर आपने जो समुद्र है उसका जो बहाव है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। दुनिया में डिस्ट्रक्शन है, आपके लिए सब परेशानियाँ सब कुछ होगी, लेकिन आप एज ए बिलीवर फर्मली स्टैंड करेंगे। गैर ऑपोजिशन क्यों बुला रहा है, क्यों शुक्रगुजारी कर रहा है, ये जो तेरी बुराई करते हैं क्यों उनको बरकत दे रहा है, तू तो हर किसी को माफ कर देता है, तू लड़ता क्यों नहीं, तू जाके बदला क्यों नहीं लेता, तू जाके लड़ाई क्यों नहीं करता। बाप बताने वाले मैं मसीह का पैगंबर हूँ और मैं ही यही करता हूँ। एक अजीब सी जैम देने लगा हूँ, मेरे मास्टर मेरे टीचर देते हैं, वो कहते हैं आपको सड़क पे रोड पे मरा हुआ कुत्ता मिले आप उसको लात मारो तो कुत्ता क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ भी करेगा। तो जब हम मसीह को कबूल करते हैं, कलाम को सिखाता है, मसीह को कबूल करके नए सिरे से जब पैदा होते हैं तो वी बिकम डेड इन टू द वेज ऑफ द वर्ल्ड। याद रखें हमारी जो लड़ाई है या हमारी जंग है वो पूरा गुस्से को है नहीं, तारीखी फौजों से और उन हाथों से है जो आसमानी को काम पर है। इससे स्पिरिचुअल वॉरफेयर तो हमें उस हिसाब से दुनिया का भी सामना करना है और तारीखी फौजों का भी सामना करना है। दोबारा कहूँगा हमें ये सोचना है कि क्यों हमें ऐसे हालत नहीं करना या ऐसी युद्ध नहीं करना जो दुनिया की है, हमें अलग करना है। हमें ऐसे पहले सुनिए जिसका इस शिक्षा में खुदा सिखाता है कि कलाम को सीखे। इस शिक्षा के बाद मुझे लिख रहे हैं ये बातें जिनका हुक्म मैं आज तुझे देता हूँ ये तेरे दिल पर नक्श करे, इसके दिल पर पैरेंट्स के दिल पर। और फिर आगे जो आपको देता है और तो उनको अपनी औलाद के और घर बैठे और राज करते और लेटते और उठते और उनका जिक्र किया था। इससे लाइफ टाइम उठते बैठते लेटते सोते हर वक्त खुदा के कलाम का जिक्र करता है और तो विश्राम के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना और तेरी परेशानी पर टीकों की माने को और तो उनको अपने घर की चौकों और अपने पाठकों पर लिखना। ऐसी जनरेशन चाहिए, ऐसी जनरेशन ऑफ फादर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ मदर्स ऑफ बूथ भी चाहिए जो कलाम को जानू तो ना
who says the evil spirits. Why? Because someone at one time did not make the right decision. शायद उसका रुख था, उसका बाप था, उसके बाप का बाप था, इसका बाप था, ये भी बहुत बेहतर है जैसे बच्चे देश का बाप। रिसेंटली भी वह कमी के युद्ध था कि दो बच्चे थे वो आते थे उनकी जेनरेशन वर्सेस या ब्रेन मशीनरी स्ट्रॉन्ग थी वो चढ़ जाते थे गायब हो जाते थे चढ़ जाते थे जिंदगी से आते थे फिर गायब हो जाते थे। पर अभी हाल ही में जब उसके फादर से जाते हुए तो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में है बहुत ज़्यादा नशे करता है लेकिन नशे के साथ साथ उस पोजेशन की अच्छी स्टेट की मानी जाए उस पोजेशन की जो उनकी कैसे की है वो इतनी है कि जो अपना वो सजदा निकालता है उसको साफ भी नहीं करना अपने कमरे की दीवार पे रख देता है। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल बाकी एग्जांपल से भी करते हैं और बने दैट इज द इंटेंसिटी जिसमें खुदा ने यीशु मसीह के लोग जिए हैं। Why? Because they did not make the right decision. अपने बच्चों अपनी औलादों के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शरारतों को छुपाने के लिए लोगों के सामने डटे खड़े हो जाते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। खुदा इसराइली को कह रहा है कि तुमने अपने बच्चों की मुझसे ज़्यादा इज्जत की उनकी चीज़ें जानते हैं तुम उनको नहीं होगा दैन हम समझे कि कॉन्सिक्वेंसेज पड़े थे कितने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। लेकिन उस पूरी कहानी में एक अच्छी अच्छा लेसन ही है। सैमुएल वहाँ अकेला रहता था एली उसका स्पिरिचुअल फादर था उनका भी सैमुएल खुदा के साथ जुड़ा रहा। जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं उसमें बड़े वर्सेस हैं जो सैमुएल के बारे में बतेरी बातें करते हैं 18वीं आयत 26वीं आयत 21वीं आयत 3 चैप्टर की और तीसरे चैप्टर की 13वीं आयत वहाँ पर लिखा है कि पर सैमुएल जो लड़का था वो खुदावंद की हुजूर खिदमत किया करता था। वो लड़का सैमुएल बढ़ता गया और खुदा और इंसान दोनों में मकबूल था और वो लड़का सैमुएल खुदावंद के हुजूर बढ़ता गया और सैमुएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था। उसने उसकी बातों में से किसी बात को मिट्टी में ना बोलने दिया। व्हाई? बिकॉज़ ही हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। उसके खुदा के साथ का रिश्ता कायम रहा और आज के जमाने में शायद वैसे तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें जो है मेरी आवाज़ सुनते हैं। क्या हमें खुदा यीशु मसीह की आवाज़ आती है उनकी वर्बल उनकी अथॉरिटी का हार्ट में? लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो खुदा का कलाम आपके पास है इससे आप अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। मैं आपको कहूँ जो उर्दू भी नहीं पढ़नी आती थी बट जब मैं खुदा के साथ जुड़ा पढ़ना शुरू किया तो उर्दू भी मेरी अच्छी होती गई। आई कैन रीड नाउ आई कैन टीच नाउ। अपनी बुद्ध को छोड़े अपने बच्चों को छोड़े उससे पूछे कलाम पढ़ते हो या नहीं पढ़ते दुआ करते हो या नहीं करते दुआ करनी भी आती या नहीं आती कलाम पढ़ना भी आता है नहीं आता यूं का एक बहुत बड़ा हिस्सा देख लो रीड देखने में बजाय आपको ज़बरदस्त से ज़बरदस्त लगेंगे। और जब कोई लड़कों की बच्चों की डिसाइपलिंग करते हैं तो बहुत क्लियर लगा देते हैं कुछ चेंज नहीं आता। जब उनसे इंटेरोगेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो फिर आहिस्ते आहिस्ते शर्म से कहना शुरू करते हैं हमें तो पढ़ना ही नहीं आता। हमने ऐसे पेरेंट्स की काउंसलिंग की उनके घर हो गए माँ बाप दोनों को पढ़ना नहीं आता कभी चर्च नहीं है बाइबल को खोल के देखिए अपने बच्चों की क्या तरबियत करेंगे। लेकिन आप इंटेलेक्चुअली या स्पिरिचुअली किसी के आगे होकर उनकी मदद कर सकते हैं या आप आज अगर डिसीजन ले लें। मैं आपको बताऊँ जब फादर्स डिसीजन ले लेते हैं कि मैंने अपनी जनरेशन को किस तरीके से रेस करना है तो वो खानदान एक मसीह में स्ट्रॉन्ग खानदान होता है और ऐसे ही 5, 6, 7, 8 खानदान इकट्ठे होकर जब चर्च में मिलते हैं तो वो चर्च एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चर्च हो जाता है और वो कलीसिया उन स्ट्रॉन्ग फेथफुल खानदानों के साथ मिलकर सोसाइटीज को सिटीज को और कंट्रीज को चेंज कर देते हैं। और यही हमारी जॉब है पाकिस्तान में कराची रहते हुए जिसका मैंने कहा खुदा के कलाम से दोस्ती करें मैं तो पढ़ता नहीं था कहते मैं क्या खुदा की खिदमत वो मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ ये हूँ वो इट इज़ नॉट मैटर। बाइबल में बहुत एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ रहाब हाशम की इसराइली नहीं थी उसने खुदा के लिए काम किया खुदा के पहचान शिमोजा फहाशा इंग्लिश में अगर बोले शिखर प्रॉस्टिट्यूट लेकिन खुदा ने उसके लिए जहाँ का पैन बनाया और उसको कबूल भी किया। बाद में जब आप खुदा के यीशु मसीह की जीनियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी औरतों का जिक्र है वैसे तो मर्दों का जिक्र है ऐसे नाम में लेकिन इस औरत का जो फहाशा थी जो प्रॉस्टिट्यूट थी उसका भी जिक्र था शिखर में लाइफ राउंड उसको अपने खानदान को बचा आने वाली जनरेशन को तब्दील कर दिया। तो ये उन्हीं में नहीं है कौन थी खुदा की आवाज़ को सुने खुदा के नाम से मस्ती करें। अगर आप भी अगर नहीं है समझते अपने आप को छोटी मोटी चीज़ समझते हैं खुदा के कलाम में पढ़ा लेता है कि तेरे कलाम की दृष्टि नूर बख्शती है वो सादा देव को अकलमंद बनाती है। खुदा का कलाम मेरे कलों के लिए चला और मेरे हाथ लिए क्या है वह
का कलाम ठोस जिंदा है, खाना है हमारे लिए। खुदा का कलाम जो है वो रूह की तलवार भी है। ज़बूर नफीस चूंकि यूथ है जवानों के कहते हैं कि जवान अपने अगर किस तरीके से बात करके तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह करने से, और आगे कहते हैं तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में बसा लिया है ताकि तेरे खिलाफ क्या ना करूँ, गुनाह ना करूँ। योशुआ जोशुआ और तो मूसा के साथ सारी जिंदगी ना मूसा के साथ उसने ट्रेनिंग की, बहुत ज़बरदस्त लीडर बना, लेकिन जब फाइनली उसको लीडरशिप मिली तब भी खुदा से कलाम कर उसने खुदा से क्या बोला कि शरीयत की किताब मेरे मुँह से ना हटे बल्कि दिन रात तेरा ध्यान इसी पर हो ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर एहतियात कर अमल करे। तभी तो इबादत को मजबूत कर दिया और वो एग्जाम्पल के तौर पर अपनी माँ को तकलीफ करता फैसला भी करता है कि जहाँ तक कहीं मेरे और मेरे घराने की बात मैं तो खुदा की तरफ से शिकाजी करूँगा। नए ग्रामे में हमें कॉन्स्टेबल जो कॉन्स्टेबल था सूबेदार वो हमें मिलता है, वो तो यहूदी भी नहीं होता रोमी होता है। पतरस उसके पास जाता है, वो अपने लिए अपने खानदान के लिए फैसला करता है दैट जनरेशन चेंजेस। वो सूबेदार जो जेल में पौधों और सिलास के साथ होगा कहते हैं क्या करूँ कि मैं जाता हूँ, कहते हैं मसीह पर ईमान ला तो तू और मेरा घराना नहीं जाता। जरूरी कि मैं पैनिक ना हूँ, कभी मैं डिसीजन ई यूथ ई यंग या अगर औलाद नहीं हुई है नहीं कर डिसीजन राइट नाउ कि हम खुदा के बताए हुए रास्ते पर चले और अपने आने वाली नस्लों का अपनी यूथ का अपने जवानों का बच्चों का उनकी तकदीर का फैसला या उनकी जो आने वाली नस्लें हैं उनकी अपनी का फैसला अभी से करें। इट हैज़ टू बिकम अ लाइफस्टाइल। ये कलाम जो है हमने इस शिक्षा में पढ़ा छठे बाब में इट हैज़ टू बिकम अ लाइफस्टाइल। कलाम ये भी रूह के समय बताएगा सिखाएगा हमें क्या कहना है, हमें रिवाइंड कराएगा कि जब हम कलाम पढ़ेंगे यही समझने के लिए तो रूह के समय क्या याद दिलाएगा, उस समय सिखाना भी याद दिलाता हूँ फलाने के साथ भेद किया था भेद अच्छे तरीके से उससे बात नहीं करना, देख सो कभी माफ़ नहीं करना, कभी सुना नहीं करना, उठाना देर से आगे निकल गया देख चुकी लग चुकी है पॉलिटिक्स कर बुराइयाँ कर विधि देकर जुटाइयाँ पैदा कर जलन कर असर कर कि आज जो है वी कैन मेक अ डिसीजन। और मैं जिस चंद लोगों के लिए चाहूँगा कि हम सब अपनी आँखें बंद करेंगे किसी को ना देखें जैसे क्लोजर आइज नॉर्मली जब हम अपने चर्च में होते हैं वहाँ हम लोगों को बोलते हैं कि जिस स्टैंड अप है कि क्लियर टू द फोर्सेस ऑफ इवन कि आपने डिसीजन ले लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता यार मैं क्या होता मैं आप किसी से ये नहीं कहा कि खड़े हो लेकिन सब अपनी आँखें बंद करें लेट्स प्ले। और अगर खुदा के कलाम से आपको कोई भी बात आपको कभी मिली है जस्ट मेक अ डिसीजन इट्स नेवर टू लेट। अगर आप बुजुर्ग भी हैं आप जवान हैं आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं उसको इट्स स्टिल मेक अ डिसीजन। अभी भी अगर आप खुदा के साथ फैसला करें कि नहीं मैंने अपनी आने वाली नस्ल को तब्दील करना है ये कैन चेंज आज सब अपनी आँखें बंद करें कम ऑन हर आँख जो है वो बंद रहे एंड आई जस्ट गिव यू अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ साइलेंस कि आप खुदा से बात करें खुदा से कलाम करें खुदा मैं आज ये डिसीजन लेता हूँ मैं ये डिसीजन लेती हूँ अपने लिहाफ पे अपने बच्चों के लिहाफ पे उसके बच्चों के लिहाफ पे अपनी जो आने वाली नस्लें हैं मैं उनके लिए डिसीजन लेता हूँ डिसीजन लेती हूँ दैट आई वांट देम टू बी अ गॉड फियरिंग जनरेशन। मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा शरीक बने उनका फिदा हो जो नस्लों को तब्दील करे और गैर कौमों के दरमियान मिसाल बने लोगों को माफ करना सिखाए लोगों को अमन और इत्मीनान दिलाना
इस जिंदगी पर शुक्राना के लिए खुदावंद का जो हमें सिखाता भी है, हमारी तरबियत भी करता है, हमारी करेक्शन भी करता है और हमारी तब्दीली करता है। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ क्या करना जो आज हमने पढ़ा जो सीखा हमारे दिलों में जड़ पड़े खुदावंद और एक अच्छा फलदार दरख्त हमारे सामने आने वाला है। वैसा दरख्त मैंने खुदावंद जिसके साइड में आने वाली नस्लें जो है उसके साइड में इंजॉय करें खुदावंद और उसके भरोसे खुदावंद जिसमें जीत में हमेशा की जिंदगी पर आगे।